नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और दुनिया सोशल मीडिया की दीवानी भी है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या फिर नेटफ्लिक्स हो, या फिर अमेज़ॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, जहां पर हमें तमाम वेब सीरीज़ देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन वेब सीरीज़ पर कई बार हंगामा भी हुआ है। अभी हाल ही में सैफ अली खान की वेब सीरीज़ आई थी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था और कई राज्यों में हमने देखा था कि सैफ अली खान और निर्देशक या फिर प्रोड्यूसर की हम बात करें तो उनका पुतला दहन भी हुआ था। और ये कहा गया था कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इसमें कुछ कंटेंट ऐसा है जिसे हटाया जाए। हालांकि बात अगर की जाए किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन के दौरान जो जितने भी ट्वीट हुए हैं, कई ऐसे यूजर्स थे जिनके ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की बात कही गई थी, लेकिन ट्विटर ने इस पर कोई मजबूती के साथ एक्शन नहीं लिया था। लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, या फिर सोशल मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप हो, यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट डालता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और यूज़र्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर बाहर से, भारत के बाहर से कोई भी ऐसा कंटेंट डालता है जो कि आपत्तिजनक हो, जिस पर किसी को आपत्ति हो, तो उसका जो मैसेज है भारत में, सबसे पहले जिसके पास जाएगा उसे ही यूज़र माना जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैयारी करने की भी जानकारी दी है, तैयारी हो ताकि इनकी तैनाती जल्दी से जल्द की जाए। और नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ऑफिसर भी इसमें काम करेंगे। कितनी शिकायतें हुई हैं इसका भी पूरा ब्यौरा जो है वो देना होगा। यहाँ पर एक और बात पारुल कही गई है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार को ये नहीं पता है कि कितने ऐसे सोशल मीडिया हैं जो चल रहे हैं, कितने ऐसे न्यूज़ प्लेटफॉर्म हैं जो चल रहे हैं, इसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से जो अधिकारी हैं, चाहे वो नोडल अधिकारी हो, चाहे वो रेजिडेंट अधिकारी हो, उनकी तैनाती की जाएगी ताकि इन पर नज़र रखी जा सके और कितनी शिकायतें इन पर हुई हैं उस पर भी नज़र रखी जा सके। देखिए पारुल, हमने देखा है कि अक्सर कुछ भी कंटेंट ऐसा आता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, बहुत धड़ल्ले से शेयर हो जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता और इसी वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की हम बात करें तो ये हमेशा विवादों में रहे हैं, आप भी जानते हैं और देश भी जानता है और भारत से बाहर भी। हमने देखा है कि कई ऐसे कंटेंट आते हैं जिस पर कैंची चलाई जाती है और उसे कहा जाता है कि इसे ख़त्म करना होगा वरना इसे रोक दिया जाएगा। अब नई गाइडलाइन जारी हुई है, इससे क्या अब ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उन पर कैसा असर पड़ेगा? बिल्कुल काजोल, देखिए असर तो पड़ेगा उन लोगों पर, खासकर उन लोगों पर जिनको आदत थी फेक अकाउंट्स बनाकर उल्टे सीधे लोगों के फोटोज या वीडियोस पर कमेंट करने का। सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पे पड़ेगा। और हालांकि सबसे ज़्यादा ये जो नियम बनाए गए हैं ये उन्हीं लोगों के लिए हैं, सरकार जो है अब उन लोगों पर शिकंजा कसेगी जो अक्सर ऐसी हरकतें करते थे। क्योंकि काजोल, अक्सर हम देखते थे, अगर किसान आंदोलन की बात करें या फिर पिछले साल दिल्ली में हिंसा हुई थी या तमाम अगर ऐसे केस होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि सही न्यूज़ से ज्यादा फेक न्यूज जो है वो बहुत जल्दी से वायरल होती है। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप एक चुटकी में 100 लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम सही न्यूज जो है वो ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड नहीं करते, फेक न्यूज जो है वो लोगों तक ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड होती है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करती है नियम कानून के तहत, उसी तरह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उन लोगों पर लगाम सके, ताकि उन लोगों पर शिकंजा कसा जा सके जो फेक न्यूज फैलाते हैं या फिर फेक अकाउंट्स बनाकर तरह तरह के लोगों के फोटोज वीडियोस पर कमेंट करते हैं या फिर उल्टा सीधा जो अश्लील कंटेंट है वो डालते हैं। हालांकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये भी कहा गया है कि इन कंपनीज को, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तमाम ऐसी सोशल मीडिया कंपनीज को अब इसका रिकॉर्ड रखना होगा, कौन किस तरह का कंटेंट कौन डाल रहा है, और हर महीने इसकी जानकारी जो है वो केंद्र सरकार को देनी होगी। हालांकि कि अगर कोई अश्लील कंटेंट डाला जा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो उसे 24 घंटे के अंदर डिलीट करेगी वो कंपनी, इस चीज का जो है वो रखेगी ध्यान के उसे 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया जाए। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं पारुल की सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगा ओटी प्लेटफॉर्म्स के लिए और सोशल मीडिया के लिए, जैसे न्यूज चैनल्स करते हैं।
लेकिन पारुल देखिए, ये भी हमें जानना जरूरी है कि सरकार ने कड़ा कदम क्यों उठाया है, क्योंकि ट्विटर और सरकार के बीच जो विवाद है वो लगातार हम देख रहे हैं और ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो ये गहरी खाई है वो भरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया कि OTT प्लेटफॉर्म्स अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा, अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि नजर रखी जा सके, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जरूरी इन्फॉर्मेशन देता है, एक दूसरे को कनेक्ट भी करता है। हम यहाँ बैठे विदेशों में भी लोगों से बात कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अगर कहीं कुछ भी बवाल होता है, छोटा सा चाहे वो, उसको बढ़ाने में भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों तक अच्छा कंटेंट या अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, लेकिन कुछ आपत्तिजनक किस्म के लोग जो होते हैं, जो अराजक तत्व कहलाते हैं, वो इस चीज़ का नाजायज फायदा उठाते हैं और गलत जानकारी को गलत तरीके से फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा हमने, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया पारुल, हमने दिल्ली दंगों में भी देखा है और CNRC को लेकर जब प्रदर्शन हो रहा था तब भी हमने देखा। और काजोल, आप इसकी बात कर रही हैं, दिल्ली दंगे ही नहीं या फिर कोई ऐसा ही नहीं जो हिंसा वाली चीज हो, हालांकि अभी चमोली में उत्तराखंड में जब ये आपदा आई थी, ग्लेशियर फटा था, उसके बाद भी सबसे पहले CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यही लोगों से अपील की थी कि फेक न्यूज ना फैलाएं, पहले की जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी उसकी वीडियो को फैलाएं ना और लोगों को भ्रमित ना करें, ये ना फैलाएं, फेक न्यूज जो है उसको ना फैलाएं। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर कोई हिंसा की ही खबर है या फिर हिंसा की बात है उसमें ही लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें काजोल, असली खबर जो होती है वो कहीं ना कहीं पीछे दब जाती है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। लोग जो है वो फेक न्यूज ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, और अक्सर लोग जो होता है उन्हें असली खबर क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, लोगों को फेक चीज जो होती है उसके बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात कही आपने, जो चमोली आपदा का जिक्र किया है, बहुत ही दयनीय स्थिति लोगों की रही वहाँ पर, कुछ लोग अभी भी नहीं मिल पाए हैं, कुछ लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, और त्रिवेंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम इस पे उठाया, बहुत तत्परता दिखाई, और जो आपने मैसेज का जिक्र किया है वो बहुत ही अच्छी बात थी, इससे कहीं ना कहीं एक हद तक हम पैनिक की जो स्थिति है ना उससे बच पाए हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे वीडियोज आ जाते हैं जिससे, देखिए आज का माहौल ऐसा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो लोग महानगरों का रुख करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, यहाँ का हम रुख करते हैं, लेकिन परिवार हमारे जो है ना उन्हें छोटे छोटे गांव में बसते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई आपदा आती है या फिर कोई घटना होती है, अगर सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन करते सब हैं, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है, लोग अफवाह फैला देते हैं, तो पैनिक की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं और घबराहट के चक्कर में दुर्घटना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा आपने जिक्र किया है पारुल, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने दर्शकों को तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन के शौकीन हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर भी अब सरकार की कैंची चलने वाली है। जी हाँ, इससे पहले जब सैफ अली खान की सीरीज आई थी तांडव, उसने काफी ज्यादा तांडव मचाया था, उससे पहले तमाम ऐसे तांडव ही नहीं, इससे पहले आश्रम भी आई थी, उसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था, सोशल मीडिया पर ही आश्रम जो है वो रिलीज हुई थी MX प्लेयर पे, उसके लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, विवाद हुआ था, और इसी की तरह अब तांडव में एक भगवान के दृश्य को लेकर जो है विवाद जो है वो खड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं है तांडव या आश्रम, इससे पहले भी कई ऐसी वेब सीरीज है। देखिए, जो वेब सीरीज होती है ना उनमें जो कंटेंट होते हैं चाहे वो भले ही बहुत छोटा सा हो, लेकिन कुछ लोग जो है इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम किन लोगों को टारगेट आसानी से कर सकते हैं। धार्मिक तौर पर हम टारगेट लोगों को आसानी से कर सकते हैं, उन्हें पता है कि धार्मिक भावनाएं यहाँ तो होंगी तो लोग भड़केंगे, तो इस वजह से ऐसी चीजों को चुनते हैं। तो आप सावधान हो जाइए, अगर आप कुछ भी ऐसा कंटेंट डालते हैं गलत, तो आप पर एक्शन होगा और 24 घंटे के भीतर होगा, अगर आप जवाब नहीं देते तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पारुल, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये फैसला लिया है, आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म या फिर OTT प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए किसी अधिकारी का वहां पर तैनाती हो रही हो। ये कैसे काम करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, जैसे जैसे काम करेगा, जैसी इन्फॉर्मेशन आती है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप लोगों तक पहुंचाएगा,
अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जो शिकायतें लगातार होती हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन पर जो भी वेब सीरीज या जो भी कंटेंट होता है वो इतना अश्लील होता है कि बच्चे जो हैं वो नहीं देख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पर कुछ भी कंटेंट डाल दिया जाता है और आजकल के ज़माने में छोटे से छोटा बच्चा जो है वो आसानी से फ़ोन इस्तेमाल कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे कंटेंट देखता है जो कि उसे नहीं देखने चाहिए। माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि उस पर नज़र रखें कि आखिर वो सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट किस तरह का देख रहा है या किस पर उसने क्लिक किया है। दूसरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया की है या जो कंटेंट डाल रहा है उसकी है कि उसे कैसे उस कंटेंट को दिखाना है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। तो ऐसे में सावधान रहिए। आप पर जैसे कि बॉलीवुड में अगर कोई भी पिक्चर ऐसी आती है, जैसे पद्मावत की अगर हम बात करें, बिल्कुल उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था, और इससे भी तमाम मूवीज ऐसी आई हैं जिसको लेकर विवाद हुआ था, तो उसमें सेंसर की कैंची चलती है। हम कहते हैं कि सेंसर की कैंची चल रही है, वो सीन हटा दे। बिल्कुल, सेंसर जो है वो पहले ही कह देता है कि इन इन सीन्स को हटा दो ताकि उसके बाद जो है वो मूवी को रिलीज की जा सके, ताकि उन सीन से किसी को आहत ना हो, कोई किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसी मांग लगातार उठ रही थी जब तांडव पर बवाल हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों का पेशेंस जो है वो खत्म हो गया था। बहुत वेब सीरीज ऐसी आई थी जिनके ऊपर बवाल हुआ था, और कुछ सीरीज ऐसी हैं जो नौजवानों की पसंदीदा भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट लोग पसंद भी नहीं करते हैं, कुछ कंटेंट को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में अभी ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है कि इस पर सेंसर जैसी कुछ कैसी चलने वाली है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो सावधान हो जाइए। नेटफ्लिक्स अगर अमेजोन पर आप कुछ भी कंटेंट डालते हैं तो उसे सही तरीके से डालिए। सोशल मीडिया पर अगर कुछ भड़काऊ चीज आप डाल रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर हम लौटेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार देखते रहिए।